हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजधानी साइंस धारा एजुकेशन पर। जय हिंद, जय राजधानी। आज के बड़े सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था काइनेमेटिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन शीट बनाकर लाया हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखते हैं इसको ढंग से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, जीरो है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकंड्स। बट 20 सेकंड के लिए वो क्या होती है, एक्सेलरेट होती है टू अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कब तक एक्सेलरेट होती है बेटा, जब तक उसका स्पीड कितना नहीं हो जाए, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं हो जाता है तब तक वो कार 20 सेकंड तक एक्सेलरेट हो रही है। इट देन रन्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर विद अ कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन। एक कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन की वजह से वो 200 मीटर चल करके रुक जाती है, मतलब आपने एक गाड़ी चलाई, वो एक्सेलरेट हो रही है, आप लगातार रेस देते जा रहे हैं तो एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, फिर बाद में कॉन्स्टेंट स्पीड हो गई और फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई होने की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई और लास्ट में जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, तो गाड़ी आपकी रुक गई। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 600 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हैं हम, 600 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो फाइंड द एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, आपको रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम टेकन कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम फिगर बनाते हैं बेटा, फिगर क्या है, एक पार्टिकल या एक कार स्टार्ट कहां से हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। उसके बाद बेटा वो एक्सेलरेट होती है कितने सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड तक बेटा वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है फॉर 20 सेकेंड, एक्सेलरेट हो रही है बेटा, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से। बाद में इसका इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो गया, बी पॉइंट पर, वो वेलोसिटी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। 72 को बेटा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, मतलब 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है। फिर बेटा वो कैसे मूव करती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, मतलब सी तक वो कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मींस एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी कितना है उसका, जीरो है। उसके बाद बेटा उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है, मींस सी से लेकर डी तक उसमें एक रिटार्डेशन हुआ और डी पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। वो रिटार्डेशन बेटा मान लीजिए ए हो रहा है, ए डैश हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मींस वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ऐसा इस क्वेश्चन ने बोला है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर इज 600 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस बेटा कितना है इसका, अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखा जाए तो बेटा कितना मीटर डिस्टेंस है, 600 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। क्लियर यहां तक का, तो बेटा फाइंड द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन टोटल टाइम टेकन आपको कैलकुलेट करना है। अगर बेटा मुझे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सिंपल होगा, वो तो बच्चों का खेल होगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, अप्लाई कर दो पहले इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो फ्रॉम ए टू बी, तो वी बराबर यू प्लस ए टी से आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, तो आप इजिली एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से कहां बेटा, फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन फ्रॉम ए टू बी, बेटा बी पर कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल, ए पर कौन सी होगी, इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बी पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 20 मीटर पर सेकंड, ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना है ए और टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो बेटा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हो गया हमारा कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये बात समझ में आ गई। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है तो बेटा हम ये कैलकुलेट करें कि वो अगर यहां से यहां तक की बात करें, ए से बी 20 सेकेंड चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी हम कैलकुलेट करें कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना डिस्टेंस होगा, तो बेटा ए टू बी डिस्टेंस कितना होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
थोड़ा आप क्या देख पा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, जीरो है, 1/2, एसलेशन 1 आ चुका है, और टाइम कितना है 20 सेकंड है, 20 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 में 2 को डिवाइड करूंगे तो डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। मतलब एसीबी का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना आ रहा है, 200 मीटर आ रहा है। एसीबी कितना डिस्टेंस चलेगा, 200 मीटर चलेगा। बीसी स्पीड से जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड से जाता है, और आगे क्या बोल रहा है ढंग से देखो, इट देन रन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर विद कॉन्स्टेंट रेडिएशन। मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी दे रखा है कितना है, 200 मीटर। जब कॉन्स्टेंट रेडिएशन होता है तो कितना स्पीड डिस्टेंस कवर करता है, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बेटा अगर ये 200 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ढंग से देख लो क्या बोल रहा है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर विद कांस्टेंट रेडिएशन। एक कांस्टेंट रेडिएशन के साथ वो 200 मीटर चल के रुक जाता है। तो कांस्टेंट रेडिएशन बेटा सी से स्टार्ट हुआ है ना, तो सी से 200 मीटर चलेगा रुक जाता है। तो बेटा ये 200 मीटर हुआ, ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, टोटल 600 मीटर है, तो ये कितना मीटर बचा फिर, ये 200 मीटर तो बचा बी से सी का डिस्टेंस। अगर बी से सी का डिस्टेंस 200 मीटर है तो बी से सी जाने में कितना टाइम लगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि बी से सी तक हमारी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन जीरो था। तो बी से सी की अगर मैं पहली इक्वेशन अप्लाई कर दूं, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम बी टू सी, बेटा फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहां से अप्लाई कर रहा हूं, फ्रॉम बी टू सी। सी मेरे लिए फाइनल पॉइंट होगा, बी मेरे लिए इनिशियल पॉइंट होगा, और एसलेशन होगा और टाइम होगा। सॉरी फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई ना करके आप इसमें अप्लाई कीजिए बेटा कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देखिए सेकंड इक्वेशन बी से सी का डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी बी से सी इंटू टाइम, एसलेशन इंटू टी स्क्वायर। बट आपको मालूम है बी से सी तक आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो एसलेशन कितना है आपका, जीरो है। अगर एसलेशन जीरो है तो देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगी, अगर ये टर्म जीरो हो जाती है तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस का वैल्यू हमें मालूम है, डिस्टेंस का बेटा वैल्यू कितना है, 200 मीटर है। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बेटा हमें मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम आ जाएगा बी से सी कितना टाइम लगेगा, बी से सी का बेटा टाइम कितना आ गया, बी से सी का टाइम आ गया आपके पास 10 सेकंड। मतलब बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है, 10 सेकंड लगने वाले हैं। तो बेटा बी से सी का भी टाइम आ गया। अब बात करनी है, देखो टोटल टाइम निकालना है ना, टोटल टाइम कब आएगा, जब ए से बी का टाइम पता हो, बी से सी का टाइम पता हो, और सी से डी का टाइम पता हो। तो ए से बी का टाइम तो दे रखा है 20 सेकंड, बी से सी का टाइम आ गया कितना बेटा, 10 सेकंड आ गया है ना। तो बी से सी का टाइम कितना आ गया बेटा मेरे पास, 10 सेकंड आ गया है ना। अब सी से डी का टाइम भी कैलकुलेट करना है और रेडिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर रेडिएशन कैलकुलेट करा तो कौन सी इक्वेशन लगा देनी चाहिए, थर्ड इक्वेशन लगा देनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। सी पर वेलोसिटी क्या होगी, 20 होगी, क्योंकि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी था, जो बी पर वेलोसिटी है वही कहां पर है, सी पर है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे बेटा, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां लगा रहा हूं, फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी। तो अगर ये लगाता हूं तो बेटा क्या होगी, डी का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2 एसलेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट सी से डी का। बट मुझे मालूम है रिटार्डेशन हो रहा है, अगर रिटार्डेशन होगा तो बेटा बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा, बीच में बेटा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो डी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। सी पर कितनी है, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू रिटार्डेशन, और डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। तो 400 इजुकस टू 400 इंटू ए, तो बेटा रिटार्डेशन का वैल्यू कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा कितना आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एसलेशन नेगेटिव आ रहा है, मींस दैट क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर वहां से कम मुझे अगर टाइम भी कैलकुलेट करना है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर दो, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहां से कहां लगा दो, सी से डी। तो डी पर फाइनल वेलोसिटी होगी, सी पर इनिशियल वेलोसिटी होगी, एसलेशन होगा और टाइम होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। एसलेशन 1 इनटू टाइम। तो बेटा सी से डी का टाइम कितना आ गया, सी से डी का टाइम आ गया 20 सेकंड। तो अगर बेटा टोटल टाइम पूछा जाए तो
तो टोटल टाइम बेटा कौन सा है, टोटल टाइम होगा ए से बी का टाइम, तो ए से बी का जो टाइम था बेटा वो कितना था 20 सेकंड, बी से सी का टाइम 10 सेकंड और सी से डी का टाइम 20 सेकंड, तो टोटल टाइम बेटा कितना आ गया 50 सेकंड टोटल टाइम आपके पास आ जाता है। तो टोटल टाइम बेटा कितना हो गया 50 सेकंड हो गया। ओके स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम ड्रॉ करके देखिए आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करनी चाहिए, क्या पहली इक्वेशन अप्लाई करने से काम होगा या सेकंड इक्वेशन अप्लाई करने से काम होगा, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करने से काम होगा। जहां कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है वहां पर एक्सेलरेशन कितना रहता है, जीरो रहता है, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए, पढ़िए उसको, ध्यान दो। अज्यूम दैट ए कार इज एबल टू स्टॉप विथ रिटार्डेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने कार अज्यूम कर ली बेटा जिस जो कि स्टॉप हो सकती है, जिसका रिटार्डेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड दैट ए ड्राइवर कैन रिएक्ट टू इमरजेंसी इन 0.5 सेकंड। बेटा इस ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं, देखिए आपने के आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने आपको अचानक से मान लीजिए कोई कुछ भी दिख गया है ना, मान लीजिए गाय दिख गई, बैल दिख गई, कुत्ता दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा ब्रेक लगाना जरूरी है। तो आप उस पॉइंट को सोचिए, आप गाड़ी की स्पीड 100 है और आपको 100 मीटर आगे कोई गाय कुछ दिख जाती है, तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तुरंत ब्रेक अप्लाई करेंगे। लेकिन आपके माइंड में आया गाय सामने है और आपने ब्रेक अप्लाई करा, तो उसके बीच में कुछ तो टाइम लगा होगा, चाहे वो मिली सेकेंड ही लगी हो, चाहे माइक्रो सेकेंड ही लगी हो, सडन मतलब आपको लगे गाड़ी रोकनी है, और आप पहले गाड़ी चल रही थी, ब्रेक नहीं लगा रखे थे, लेकिन आपको लगे गाड़ी रोकनी है, मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो ब्रेक लगाने से जस्ट पहले और आपके माइंड में ब्रेक लगाने वाली बात आने तक जो टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं बेटा रिएक्शन टाइम बोलते हैं। कौन सा टाइम बोलते हैं बेटा, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। वही रिएक्शन टाइम यहां पर कितना दे रखा है, 0.5 सेकंड दे रखा है, कि एक जो आपने कार रिज्यूम कीजिए जिसमें रिटार्डेशन कितना हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, और ड्राइवर कैन रिएक्ट टू, ड्राइवर रिएक्ट कर रहा है एक इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए, उसमें कितना टाइम लेता है 0.5 सेकंड लेता है। तो कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ द कार। तो बेटा कार की को रोकने के लिए उसे जो कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान दो। सॉल्यूशन को समझिए, अगर बेटा एक कार आपकी यहां से चल रही है जिसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आपके पास है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आप रोकना चाहते हो, तो रोकना चाहते हो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना करना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो, लेकिन आपने 0.5 सेकंड तो केवल रिएक्ट करने में ले लिया, और जिसकी स्पीड कितनी थी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है ठीक है, किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है, H-1 मतलब पर आर, 60 किलोमीटर पर आर जिसकी स्पीड है, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, जिससे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, बट रिटार्डेशन कब होता है ये सोच के देखिए। मैं यही वर्ड बताना चाहता हूं कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये 9 और ये आपका 3 से काट दीजिए 10, मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। अब बात ये है बेटा, गाड़ी चल रही है 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आपको लग गया गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आपने 0.5 सेकंड ले लिए गाड़ी को रोकने में, उसके बाद रिटार्डेशन हुआ है ना, तो 0.5 सेकंड कौन सा टाइम है, ब्रेक लगाने के बाद या ब्रेक लगाने से पहले, वो टाइम है बेटा ब्रेक लगाने से पहले, और ब्रेक कितने सेकंड के बाद लगाए आपने, 0.5 सेकंड के बाद, तो रिटार्डेशन भी कितने टाइम बाद आया होगा, 0.5 सेकंड के बाद रिटार्डेशन आया होगा, मतलब 0.5 सेकंड तक या 0.5 सेकंड से पहले तक आपकी वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रही है, उस टाइम तक कोई रिटार्डेशन नहीं है। तो मींस यहां पर हुआ क्या बेटा, यहां पर क्या चमत्कार हुआ, देखो जब आप ए से चले तो बेटा बी तक आपकी वेलोसिटी क्या रही, कांस्टेंट रही, बी तक आपकी वेलोसिटी बेटा क्या रही, कांस्टेंट रही, और बी से सी तक आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, रिटार्डेशन आ गया है, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई कहां किए हैं, एट पॉइंट बी
पर आपने ब्रेक अप्लाई किया है, पॉइंट ए पर ब्रेक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने में आपको 0.5 सेकंड लग गए। तो ब्रेक अप्लाई करने में 0.5 सेकंड लग गए, तो 0.5 सेकंड तो कार चली ना आपकी, तो जो कार चली जाता तो रिटार्डेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ब्रेक तो आपने 0.5 सेकंड के बाद लगाए हैं। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी में जो हमने सोचा कि ब्रेक लगाने चाहिए, तो ड्राइवर ने क्या करा, रिएक्ट करा। उसको रिएक्ट करने में, ब्रेक लगाने में कितना टाइम लगा, 0.5 सेकंड लगा, मतलब ब्रेक 0.5 सेकंड के बाद लगाए गए हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस। अब ए से बी का डिस्टेंस में तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ए से बी का डिस्टेंस तो बेटा क्या हो जाएगा, ए से बी का डिस्टेंस हो जाएगा यू इंटू टी। यू कितना है आपका 50/3, टाइम कितना लगा रिएक्ट करने में 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड का मतलब कितना हो गया, जीरो कट गया, मतलब 25/3 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब बी से सी का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप कौन सी इक्वेशन लगा दीजिए बेटा, बी से सी थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि आपको बी से सी का टाइम नहीं मालूम, बट बी की वेलोसिटी मालूम है और सी की वेलोसिटी मालूम है। तो बेटा बी से सी आपको फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए, सेकेंड लगानी चाहिए, थर्ड लगानी चाहिए, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी टू सी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस टू ए एस, बी से सी का डिस्टेंस। देखिए तो बेटा सी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, बी पर कितनी है 50/3 का होल स्क्वायर प्लस टू, रेडिएशन कितने से हो रहा है, वही हमें रेडिएशन बेटा कितना दे रखा है, माइनस का 8, और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो उसको उधर ले आइए, तो 16 इंटू बी से सी का डिस्टेंस 2500/9, तो बी से सी का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 2500 और 9 into 16, क्लियर। अगर बेटा इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये 8 आ जाएगा 1250, और इसको भी कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो ये 4, ये 6, 2 और ये 5 आ जाएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा, बी से सी का डिस्टेंस हो जाएगा 625/36 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस। ए से बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 25/3 आ रहा है, तो 25/3 हो जाएगा, और बी से सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 625/36 मीटर आ रहा है, ठीक है। क्लियर, ये टोटल डिस्टेंस आपका हो जाता है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो यहां पर समझने का लॉजिक जो होता ना बेटा, वो लॉजिक केवल इतना सा था कि अगर ड्राइवर को 0.5 सेकंड रिएक्ट करने में लग रहे ना, तब तक उसने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किए, ब्रेक 0.5 सेकंड के बाद अप्लाई हुए हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जो आपके सामने है, कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ए बराबर टी क्यू माइनस सी टी स्क्वायर प्लस 5, वेयर इज ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम, एट टी इक्वल टू वन सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर, डिस्प्लेसमेंट तो बोल रहा है 8.30 मीटर और वेलोसिटी बोल रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल टू वन सेकेंड पर, मतलब जब टाइम वन सेकेंड होगा तो वन सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी जो है बेटा वो तो हो जाती है 6.25 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है 8.30 मीटर रेस्पेक्टली। तो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, आपको वापस से वही वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है, बट कितने सेकंड पर कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें आपको 2 सेकंड पर कैलकुलेट करनी है। तो 2 सेकंड पर हम चीजों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 1 सेकंड पर मुझे चीजें पता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके साथ बेटा, टाइम के साथ चेंज होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रियलिटी में ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दिया हुआ है आपको टी क्यूब, ए बराबर टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5 दे रखा है, राइट। अब ध्यान दे बेटा, अगर एक्सेलरेशन ये दे रखा है तो बेटा वेलोसिटी के मैं इसको लिखूंगा dv/dt, dv/dt जब मैं लिखूंगा तो ध्यान देने वाली बात ये है मेरे बच्चों, ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, बात समझ में आती मेरे बच्चों। तो dv बराबर क्या बन जाएगा, dv बराबर बन जाएगा टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 5। अब इसी का तो इंटीग्रेशन करूंगे प्यारे बच्चों,
अगर इसका इंटीग्रेशन करोगी तो ध्यान क्या रखना है बेटा, लिमिट का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे, देखो लिमिट का ध्यान कैसे रहेगा, ध्यान दो 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 6.25 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 6.25 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 2 सेकंड पर कितनी हो गई, वी हो गई। तो कैसे सॉल्व होगा, यहां पे वी माइनस 6.25, V-6.25 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1/n+1, मतलब t की पावर 4/4। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, -3 2+1/2+1, मतलब t³/3, -3 t³/3/3। 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का 5t। लिमिट कहां से कहां है, 1 से लेकर 2 सेकंड की लिमिट है। तो बेटा v बराबर कितना, v माइनस 6.25 इज इक्वल टू t की जगह एक बार 2 रख दीजिए और t की जगह एक बार 1 रख दीजिए, बीच में क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16/4, माइनस 2 तो 3 से 3 कट जाएगा तो 8, और प्लस 2 10, माइनस 1 रख दीजिए 1/4, माइनस का 1 प्लस का 5। तो v माइनस 6.25 इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 माइनस, ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 0.25 प्लस का 4। तो v इज इक्वल टू v माइनस 6.25 इज इक्वल टू 6 माइनस 4.25, ये हो गया 1.75। तो बेटा v इज इक्वल टू कितना हो गया 6.25 प्लस 1.75। तो बेटा फाइनली इसमें ऐड करूंगे तो कितना वेलोसिटी हो गया, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है। तो बेटा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, फाइनली 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है। अब बेटा ऐसे ही मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां पर इसका रोल क्या था बेटा, लिमिट में पुट करने में बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो बेटा आपको मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मालूम है डीएस बाई डीटी क्या होता है, डीएस बाई डीटी आपका वी होता है, और वी का वैल्यू कितना है वो ये रहा, v कितना है बेटा, v का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो आपने v का वैल्यू कैलकुलेट किया होगा इंटीग्रेशन के साथ में, बट आपने लिमिट पुट कर दी। तो देखिए यहां पर एसलेशन का वैल्यू देखते हैं, एसलेशन कितना है, एसलेशन आपके पास था t³ - 3t² + 5। इसको dv बाई dt जब आपने लिखा तो वेलोसिटी का जो फंक्शन आया लिमिट पुट करने के बाद वो कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके स्टूडेंट, अब अगर बेटा मैं इसमें बेटा अगर आप चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इस a को आप लिख सकते हो dv बाई dt, dv बाई dt का इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से क्या आ पाती है, आपकी वेलोसिटी आ पाती है। फ्यूज वेलोसिटी का अगर वापस से इंटीग्रेट करते हो ds बाई dt से तो वहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस a को एक बार इंटीग्रेट करना होगा, दो बार इंटीग्रेट होगा, एक बार dv बाई dt से v आएगा और फिर v का वापस क्या लिखा जाएगा, ds बाई dt, वहां से डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए a का इक्वेशन क्या है, a का इक्वेशन है t³ - 3t² + 5। देखिए यहां पर लिखते हैं a इज इक्वल टू t³ - 3t² + 5 है। अगर बेटा मैंने इसको dv बाई dt लिखा था तो यहां पे t क्यूब चला गया था, यहां पे 3t² हो गया था और यहां पे 5 हो गया था, राइट, और यहां पे dt आ गया था जिसका अपन ने इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन करने पर v बराबर कितना आ गया था, v बराबर आ गया था t³/4/4 माइनस t³/3/3 + 5 × t, और साथ में कांस्टेंट आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, 3 से 3 को बेटा अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो बेटा v का फॉर्मूला आ गया t³/4 - t³+5t + c। तो बेटा अब आपको देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या मालूम होनी चाहिए, आपको इस t का c का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो बेटा c का वैल्यू आप इजीली मालूम कर सकते हो, कैसे, क्योंकि आपको बता रखा है इसने 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, 6.25 है। तो 1 सेकंड पर अगर वेलोसिटी 6.25 है तो c का वैल्यू इजीली आ जाएगा, एट t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है 6.25 मीटर पर सेकंड। तो v की जगह रख दीजिए 6.25,
टी की जगह वन, तो वन बाई फोर, माइनस का वन प्लस का फाइव प्लस का सी। तो देखिए 6.25 इज इक्वल टू 0.25 और प्लस का फोर प्लस का सी। सिक्स पॉइंट टू फाइव माइनस फोर पॉइंट टू फाइव बराबर सी, थोड़ा सी का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया। अगर सी का वैल्यू टू आ गया तो वी की इक्वेशन क्या आ गई, वी की इक्वेशन आ गई टी की पावर फोर अपॉन फोर माइनस टी स्क्वायर या टी क्यूब प्लस फाइव टी प्लस का टू। तो इस वी को हम क्या लिखेंगे, डीएस अपॉन डी टी, तो डी टी इधर चला जाएगा। अगर डी टी इधर जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, एस बराबर टी की पावर फोर प्लस वन मतलब फाइव और नीचे भी फाइव मतलब ट्वेंटी माइनस टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस फाइव टी स्क्वायर डिवाइड बाय टू और प्लस का ट्वाइस ऑफ टी। अब चाहे तो मैंने लिमिट पुट कर दीजिए, जब वन था, जब टाइम वन सेकेंड था तो आपको वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना बता रखा है, वन सेकेंड पर आपको डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है 8.30 मीटर। तो वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8.30 मीटर। तो आपको दो सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लीजिए, एस मान लीजिए, तो मतलब 8.30 यहां पर हो गया और यहां पर एस हो गया, या वन सेकेंड हो गया, दो सेकेंड पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां कितना जाएगा, एस माइनस 8.30 इज इक्वल टू, एक बार दो पुट कर देंगे और एक बार वन पुट कर देंगे, तो दो पुट करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 20, दो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, दो पुट करोगे तो 4 4 जो 20 और 20 डिवाइड बाय 2 10 और ये 4, वन पुट करेंगे तो बड़े कितना हो जाएगा 1 बाय 20, 1 बाय 4, 5 बाय 2 और प्लस का 2, वन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, सॉल्व करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक का समझ में आया। अब आते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां से एस कैलकुलेट कर लूंगे, कैलकुलेशन करनी है आपको, एड और सब्ट्रैक्शन करने वो आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। बेटा पार्टिकल कहां मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है फ्रॉम टी बराबर जीरो, मतलब इनिशियल कंडीशन दे रखी है जिसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज होती है, और उसके लिए आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा क्या, कि एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टू टी स्क्वायर माइनस, ये टू टी स्क्वायर नहीं है, ये बेटा टू टी क्यूब है। ओके, ये गलती से लिखने में आ गया होगा, टू टी क्यूब है ये। तो देखिए यहां पर, ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या इक्वेशन हो गया, 2t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस का 1, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आपसे बेटा क्या पूछा गया है, ये पूछा गया कि एट विच टाइम इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज जीरो, किस टाइम पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद करो, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx बाय dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना बन जाएगा, ये 6t स्क्वायर माइनस 60 बन जाएगा। क्लियर है देखा, अगर ये बन रहा है फंक्शन 60 स्क्वायर माइनस 60 इक्वेशन आपको बन रहा है, ठीक है। तो बेटा आपसे वो इंस्टेंट टाइम पूछा गया है जब वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो बेटा अगर आप टाइम कैलकुलेट करते हो तो देखिए वेलोसिटी को कितना कर दो, जीरो कर दो। क्यों जीरो कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना, आपको वो इंस्टेंट टाइम पूछा गया है, वो टाइम बताना है जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो अगर मैं वी को जीरो के बराबर पुट करता हूं तो मैं यहां से टाइम इजिली कैलकुलेट कर पाऊंगा, 60 स्क्वायर बराबर 60, टी से टी कट गया, क्लियर, और 6 से 6 कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड वो टाइम होगा जिस टाइम पर आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती है। तो बेटा आपसे वही टाइम पूछा गया था कि वो टाइम आप बताइए, एक तो टी बराबर जीरो तो है ही, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट करता है वहां से मोशन करना, तो जहां से स्टार्ट करता है वहां तो वेलोसिटी जीरो है ही, तो कहां कहां जीरो है, एक तो 0 सेकंड पर जीरो है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टी बराबर जीरो, मतलब टी बराबर जीरो वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और उसके बाद कब जीरो होती है, 1 सेकंड के बाद वापस से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब 0.1 सेकंड पर जीरो नहीं है, 0.2 सेकंड पर जीरो नहीं है, 0.3 सेकंड पर जीरो नहीं है, लेकिन 1 सेकंड जैसे ही होगा वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगी। तो बेटा वेलोसिटी कब कब जीरो है, एक तो 0 सेकंड पर जीरो है और एक सेकंड पर जीरो हो जाती है, मतलब 0 सेकंड पर और 1 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। क्लियर हो गया यहां तक का। इसी का सेकंड पार्ट हमने बी पार्ट और पूछा गया है यहां से आपसे कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट पास थ्रू ओरिजिन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या होगा, वहां पे एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
देखिए, जब कोई भी पार्टिकल अगर ओरिजिन से पास होता है तो ओरिजिन से कब पास होगा? ओरिजिन का मतलब क्या है? जहां पर x कितना है? जीरो है। x का इक्वेशन देखो, x का इक्वेशन आपके सामने है, x का इक्वेशन बेटा आपके सामने 2t³ - 3t² + 1। तो अगर आपने इसका वेलोसिटी निकाला तो बेटा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया 60² - 60 आपके सामने आ गया। देखिए सॉल्यूशन में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है आपके पास 2t³ - 3t² + 1 2t³ - 3t² + 1। तो यहां से आपने बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वो कितना आया 60² - 60। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई बेटा? वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। क्लियर? अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जब वो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो बेटा अगर पार्टिकल मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है, पार्टिकल जब चलना शुरू कर रहा है तो t बराबर जीरो सेकेंड पर पार्टिकल क्या ओरिजिन पर है या फिर 1 मीटर पर है? देखो t जब जीरो पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 मीटर आ रहा है। मतलब पार्टिकल ने मोशन यहां से चलना शुरू किया। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। पार्टिकल ने मोशन यहां से शुरू किया, 1 मीटर से शुरू किया, 1 मीटर से मोशन करना स्टार्ट किया टी बराबर जीरो सेकंड पर, क्योंकि स्टार्ट का मतलब होता है टी बराबर जीरो सेकंड। तो टी बराबर जीरो सेकंड पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है? 1 मीटर से मोशन स्टार्ट कर रहा है। अगर 1 मीटर से मोशन स्टार्ट करता है और कब तक करेगा यह हमें नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी पूछिए जब वो ओरिजिन से पास होगा, मतलब पार्टिकल आगे जाएगा मुड़ेगा और यहां से पास होगा। तो ओरिजिन से पास होते समय याली वेलोसिटी हमसे पूछना चाहता है ना। तो देखिए इसको आगे जाके और यहां से मुड़ने में कितना समय लगा है? 1 सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी वापस जीरो कितने समय पर हो रही है? 1 सेकंड पर हो रही है। वेलोसिटी वापस जीरो कब हो रही है बेटा? 1 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसको वापस से यहां तक आने में, रिटर्न आने में कितना टाइम लग जाएगा वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए, यहां से पास होते समय यहां का टाइम चाहिए, यहां से पास होते समय किसका टाइम चाहिए? यहां का टाइम चाहिए। तो बेटा अगर 1 सेकंड जाने में लगा तो रिटर्न भी करने में कितना टाइम लगने वाला है? 1 सेकंड लगने वाला है। अगर 1 सेकंड लगेगा तो बेटा अगर टी का वैल्यू 1 पुट करते हो तो 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0 हो जाती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? अब जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, रियलिटी में आप ट्राई करके देख लीजिए, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस क्वेश्चन में आपको। देखिए कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए, ए पार्टिकल मूव इन द एक्स वाई प्लेन विथ अ वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी कितनी है इसकी? इसका वेलोसिटी है ए आई कैप प्लस बी टी जे कैप, मतलब टाइम के साथ यहां पे वाई वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है। एट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको बोला है टी बराबर कितने पर? ए √3/b पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एसेलेरेशन ए, तो एसेलेरेशन आपसे पूछा गया है, एसेलेरेशन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आप बोलोगे यार सर ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, बहुत ही इतना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको स्टार्टिंग करने में ही प्रॉब्लम आ रही है बस, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया उसने, अरे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया? आप तो देखो ना मेरे बच्चों, आप तो ये ध्यान दो कि सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा। देखो एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है ए बराबर dv/dt। अब dv/dt करते हो तो बेटा इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो ए तो क्या है? कांस्टेंट है ना, टाइम तो है ही नहीं। अगर टाइम नहीं है तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो बी टी का तो 1 होता है, टी तो कौन टाइम है और टाइम का 1 डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है? 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ रहा है? केवल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन आपका टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका तो आंसर ही कितना आ गया? बी आ गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन। बेटा इस क्वेश्चन में ग्राफ देखिए क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, एक तो ए है और एक बी है, दोनों कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन है, मेकिंग एंगल फ्रॉम एंगल्स रेस्पेक्टिवली 30° and 60° विद टाइम एक्सिस से बनने वाले एंगल्स हैं। मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन को समझू तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो बेटा यहां पर जो है ग्राफ दो बनेंगे, एक ग्राफ ए होगा और एक ग्राफ
बी होगा, और एक ग्राफ जो है एंगल बनाता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और तो दूसरा ग्राफ कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री का ग्राफ एंगल बनाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, ए वेलोसिटी का और बी की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो बेटा आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो बेटा हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। बेटा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है किसका स्लोप है, बेटा एक्सटी ग्राफ का स्लोप है, मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। तो अगर टेन थीटा के इक्वल है तो आपको वी ए वेलोसिटी और वी बी वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ए वाले ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बी वाला ग्राफ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी, टेन 30 डिग्री होगी, और बी की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, टेन 60 डिग्री होगी। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और टेन 60 डिग्री कितना होता है, रूट थ्री होता है, रूट थ्री, रूट थ्री कितना हो गया, 1/3, मतलब रेशियो कितना हो गया बेटा, 1:3 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बेटा आपको याद है मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देने वाला है, वेलोसिटी देने वाला है, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होने वाली है, आपकी वेलोसिटी होने वाली है। ओके स्टूडेंट, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा गोली आ गई है, क्या आ गई है बेटा, बंदूक से निकलने वाली गोली, बुलेट। देखिए ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, गोली को ऊपर चला दिया आपने, है ना, विथ इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। गोली कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। इफ जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। याद कीजिए पुराने दिन मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एनथ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन एनथ सेकेंड या फिर लास्ट सेकेंड फॉर्मूला होता है s = u + a/2 2n-1। याद आ रहा आपको, तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। आपने गोली को ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से बेटा फेंका है, ये धरती माया आपकी, और यहां से आपने गोली को ऊपर छोड़ दिया, और वेलोसिटी कितनी दी बेटा उसको आपने, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी। गोली कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, और जैसे ही फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी गोली ऊपर से वापस कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्लियर, तो आपसे ये तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। पहले सेकंड पर और लास्ट सेकंड पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो में बताना है। जब कोई गोली ऊपर जा रही है तो बेटा एसलेशन तो कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, ग्रेविटी का एसलेशन तो नीचे लगेगा, जी मीटर पर सेकेंड इसको नीचे लगेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट इन फर्स्ट सेकेंड अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट इन फर्स्ट सेकेंड, अगर बेटा पहले सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, s1 = ut + 1/2 at² इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन बेटा कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है जिसको मैं पॉजिटिव लूंगा। टाइम कितना सेकंड है बेटा, पहला सेकंड है, पहले सेकंड पर कैलकुलेट करना है हाफ। एसलेशन कहां पर लगता है, नीचे, इसलिए माइनस इनटू 1 सेकंड का होल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट 1 s1 50 × 1 = 50 - 5, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आ गया आपके पास, 45 मीटर आपके पास आ जाता है। अब बेटा आपसे लास्ट सेकंड पर भी पूछा है, लास्ट सेकंड पर कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बेटा लास्ट सेकंड कौन सा होता है, लास्ट सेकंड का मतलब 10 सेकंड जाने में लगे तो 9 से लेकर 10 सेकंड का डिस्टेंस पूछना चाहता है। तो लास्ट सेकंड के लिए पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि उसको कितना टाइम लगेगा ए से बी के लिए, मतलब टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। भाई पार्टिकल को ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता होगा, तो उससे पहले लास्ट सेकंड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें ये तो मालूम चले कि उसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, है ना, तो बड़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, vb = ua + a × t। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल कितनी है, 50। एक्सीलरेशन कितना है, 10। टाइम कितना लग रहा है बेटा, 5 सेकंड लग रहे हैं, मतलब बेटा उसको ऊपर जाने में जो टाइम लगने वाला है वो कितने सेकंड लगने वाले हैं बेटा, 5 सेकंड लगने वाले हैं। तो आपसे लास्ट सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, तो लास्ट सेकंड का मतलब 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का। तो बेटा याद करो 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, याद करो बेटा पुराने वाले दिन, उस दिन वाली क्लास याद करो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल
बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड, इन लास्ट सेकेंड। थोड़ा लास्ट सेकेंड याद करो, क्या क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 है। एसेलेरेशन नीचे लग रहा है ग्रेविटी का 10 बाई टू, टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 इंटू टू 10 माइनस का 1, तो 50 माइनस का 5 इंटू 9 मतलब 45, तो 45 में से 50 गया तो बेटा कितना आ गया डिस्टेंस, 5 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो बेटा डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 45 मीटर आ रहा है। तो रेशियो कितना हो गया, अगर रेशियो कैलकुलेट करना है तो रेशियो देखो S1 बाई S2, पहले डिस्टेंस पहले सेकंड में 45 मीटर, बाद में 5, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 9:1। क्लियर, तो आंसर बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हमारा हो जाता है 9:1। पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कैलकुलेट कर लिया s बराबर ut प्लस 1/2 AT2। लास्ट सेकंड में कितना करा, तो लास्ट सेकंड में कैलकुलेट करने का आपको मैंने बेटा फॉर्मूला बताया था s बराबर u प्लस a / 2n - 1 वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलता है बेटा, ए पार्टिकल इज थ्रो अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका ग्राउंड से, इट एक्सपीरियंसेस ए कॉन्स्टेंट रेजिस्टिव फोर्स विच कैन प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ 6 m/s². उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उस बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, और रेडिएशन कितना है 6 m/s² है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम डिसेंट टू टाइम ऑफ एब्सेंट। मतलब है कि उसको ऊपर जाकर के नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो जिसमें एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लगातार लगता जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो रेडिएशन हो रहा है वो रेडिएशन कितना हो रहा है 6 m/s² का हो रहा है। मतलब ये उसकी लगातार वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी को लगातार डिक्रीज कर रहा है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट और टू टाइम ऑफ एब्सेंट आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको उसका टाइम वो बताना है ऊपर जाकर के और नीचे आने में कितना टाइम लगा। तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन आप ऊपर जाने के लिए लगा दीजिए और एक बार फर्स्ट इक्वेशन आप नीचे जाने के लिए लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर वापस मैं आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन वो हो जाएगा जैसा आपने पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही वो क्वेश्चन है, रिपीट है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द फॉल। देखिए ये आपके पास बेटा एक टावर है और इस टावर की जो आपको हाइट बताई गई है बेटा, वो हाइट कितनी है 40 मीटर है। यह आपकी जमीन माता है, यहां से आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से फेंक रहे हैं आप। ये क्या कह रहा है कि बॉल ऊपर भी जा रही है और बॉल ऊपर से कहां पर आ रही है, नीचे आ रही है और ग्राउंड से टकरा रही है। टकराते समय इसकी स्पीड जिस स्पीड से आपने फेंका है उस स्पीड के इक्वल नहीं है, बल्कि उसकी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। उसके बेटा कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स है। ये देखिए ये आपकी जमीन माता, ये आपका टावर, और यहां से आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई और ऊपर से कहां पर आई, नीचे। टकराते समय उसकी स्पीड, स्पीड दैट इज 3 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड है, हिट करते समय उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड का 3 टाइम्स है, और टावर की हाइट कितनी है 40 मीटर है। टावर की हाइट बेटा कितनी है 40 मीटर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द फॉल, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक आने में कितना टाइम लगा। बेटा बिल्कुल आसान है, कैलकुलेट करने आपके लिए आसान है। आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है ना, तो आपको डिस्टेंस भी मालूम है, आपको डिस्टेंस भी मालूम है कि डिस्टेंस कितना लग रहा है। तो आपको केवल कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। देखो याद, देखो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने अप्लाई करी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कहां से कहां अप्लाई कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये आपके लिए इनिशियल पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके लिए बेटा कैसा है फाइनल, मतलब आप ए से बी अप्लाई कर रहे हो। तो ए से बी अप्लाई करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी बी पर होगी, इनिशियल वेलोसिटी ए पर होगी, एसेलेरेशन होगा इनटू टाइम होगा। फाइनल वेलोसिटी जो बी पर है वो कहां पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव लेंगे तो 3u पॉजिटिव होगा या -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
ए पर वेलोसिटी का ऊपर है मतलब पॉजिटिव लेंगे मतलब यू हो जाएगा। एसलेशन जी कहां लगता है, नीचे लगता है इनटू टाइम हो गया। इधर आएगा थोड़ा माइनस का 4u हो जाएगा, तो माइनस का 4u इज इक्वल टू माइनस जीटी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो टाइम कितना आ गया बेटा 4u बाई जी आपके पास टाइम आ जाता है। ये कौन सा टाइम आ गया, ये वो टाइम आ गया जिसमें पार्टिकल को ए से बी तक आने में टाइम लगेगा। अब ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है 4u बाई जी लग रहा है। तो बेटा अब मुझे लेकिन जो टाइम का ऑप्शंस गिवन है वो तो बिना यू के है, मतलब यू का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ए से बी अगर बेटा मैं मान लीजिए थर्ड इक्वेशन लगा दूं, अप्लाई थर्ड इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी, तो देखो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस टू ए डिस्प्लेसमेंट ए से सी का, राइट। अब ए से सी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यूज करता हूं तो देखिए बेटा जो ऊपर है वो पॉजिटिव में, जो नीचे है वो नेगेटिव में होता है। बी पर वेलोसिटी का है नीचे तो माइनस का 3u, ए पर वेलोसिटी का है ऊपर तो मतलब प्लस का यू स्क्वायर, एसलेशन कहां पर है नीचे तो माइनस का जी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे तो है, ए से देखो नीचे है तो नीचे तो मतलब क्या होगा माइनस होगा तो माइनस का 40। इसको बेटा अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर यू मतलब 9u स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 4 मतलब 800, ये कितना हो गया 8u स्क्वायर 800, तो u स्क्वायर कितना हो गया 100, तो बेटा u कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो टाइम कितना आ गया 4 सेकंड आ गया, क्योंकि यहां पे 10 रख दो u की जगह 10 रखोगे g का वैल्यू भी 10 कैंसिल आउट, तो टाइम कितना आ गया 4 सेकंड आपका टाइम आ जाता है। तो बेटा टाइम कितना हो गया आपका 4 सेकंड टाइम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। एक बस है जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस बिल्कुल स्टार्ट होती है बेटा कहां से, रेस्ट से स्टार्ट होती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट द सेम टाइम कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। देखो एक बस स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने का ही मतलब क्या होता है, बस का स्टार्ट होने का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है 0 है। उसके बाद बेटा वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है मतलब बी तक वो चल रही है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा कांस्टेंट है मतलब कितना बता रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन बता रखा है जो कि कांस्टेंट है। एट द सेम टाइम एक कार ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और सेम टाइम एट द सेम टाइम उसी टाइम पर दूसरी एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकंड से, और वो क्या कर रही है इस बस को ओवरटेक कर रही है, मतलब ये तो बस है और जो आपकी कार है, कार देखिए और जो कार है आपकी वो यहां से चलना शुरू कर रही है और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है जिसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड है, और ये क्या करती है इस बस को क्या करती है ओवरटेक करती है, अली बस को क्या करती है बेटा कार आपकी ओवरटेक करती है और ओवरटेक करके पास हो जाती है बेटा किसको, बस को पास कर जाती है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, मींस देखिए यहां से आपकी कार जा रही है और ये उसी टाइम पे बस चली, अब आपकी जो एक दूसरे को क्या कर रही है ओवरटेक कर रहे हैं, तो ओवरटेक करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बस एक तो वो पूछा गया है, और ओवरटेक करते समय है ना वो बस हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग देन, कितनी स्पीड से वो चल रही होगी। मैं कहता हूं बेटा आप ऐसे कैलकुलेट करो, ये समझो कि बस ने कार को ओवरटेक कर दिया 10 सेकंड पर, तो जितना डिस्टेंस बस ने 10 सेकंड में ट्रेवल करा होगा उतना डिस्टेंस कार ने भी 10 सेकंड में ट्रेवल करा होगा, तभी तो ओवरटेक कर पाया होगा। ओवरटेक करने का मतलब क्या है, अरे ओवरटेक का करने का मतलब ये तो हुआ ना कि दोनों के द्वारा डिस्टेंस जो होगा टी टाइम पर वो क्या होगा सेम होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय बस इन टी सेकेंड, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी कितना है 0 प्लस का हाफ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बेटा मान लीजिए टी टाइम में उसको ओवरटेक कर देता है तो डिस्टेंस कितना हो गया बस के द्वारा, बस के द्वारा डिस्टेंस हो गया 5/2 इंटू टी स्क्वायर। कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा यू इंटू टी मतलब 50 इंटू टी। अगर बेटा ये दोनों ओवरटेक करते हैं तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो क्या होगा सेम होगा,
तो बेटा डिस्टेंस अगर सेम होगा तो मतलब 5 बाई टू इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू टी, टी से टी कैंसल हो गया, इसको कैंसल करूंगे तो कितना आएगा 10, तो टाइम कितना सेकेंड लगा 20 सेकेंड। मतलब बस को कार को ओवरटेक करने में जो टाइम लगने वाला है वो कितना टाइम लगने वाला है बेटा, 20 सेकेंड टाइम लगेगा एक बस जब कार को ओवरटेक करेगी। तो जब ओवरटेक करेगी 20 सेकंड के अंदर, तो 20 सेकंड में बस कितना चला हुआ, तो डिस्टेंस पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। जब बस ओवरटेक कर रही है कार को तो कितना डिस्टेंस चल रही है, तो ओवरटेक करने में टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। कैसे कैलकुलेट करा, अगर टी सेकंड में ओवरटेक करता तो टी सेकंड में जितना बस चलेगी टी सेकंड में उतना ही कार चलेगी, कार टी सेकंड में कितना चलेगी वी इंटू टी, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, एक्सीलरेशन कितना है जीरो है, तो डिस्टेंस क्या होगा वी इंटू टी होगा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है बट एक्सीलरेशन है, तो डिस्टेंस क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना है जीरो, तो डिस्टेंस होगा हाफ at स्क्वायर, दोनों बराबर कर दिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया जो कि कितना आ रहा है 20 सेकंड आ रहा है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा 20 सेकंड में, ut कितना है जीरो हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 5 और टाइम कितना है 20 का होल स्क्वायर। तो बेटा कितना आगे देखो 5 बाई 2 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400 मतलब 1000 मीटर। तो बेटा बस जो है कार को ओवरटेक करने से पहले 1 किलोमीटर आपको ट्रेवल कर लेगी। ओके स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया ये, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, कितनी स्पीड से उसको ट्रेवल करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, तो बेटा वी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या होगी, v बराबर u प्लस at, u कितना है जीरो, एक्सीलरेशन बेटा कितना है 5 और टाइम कितना है 20। तो जो ओवरटेक कर रही होगी तो उस टाइम पे जो बस की स्पीड होगी वो कितनी स्पीड होगी बेटा 100 मीटर पर सेकंड होगी। किसकी स्पीड है बेटा बस की, तो मैंने कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बेटा v बराबर u प्लस at, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है जीरो, एक्सीलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 20 सेकंड, मल्टीप्लाई करो कितना की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाती है। ये किसकी वेलोसिटी आ गई बेटा, बस की वेलोसिटी आ गई 100 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट समझ में आ गया यहां तक का आपको, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो देखिए बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है बेटा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटा जमीन से ऊपर आपका एक बैलून है जो कि चल रहा है और जिसका जो स्पीड है बेटा वो कितना है 9.2 मीटर पर सेकंड है, कितनी हाइट पर 39.2 मीटर की हाइट पर आपका जो बैलून है वो चल रहा है और जिसका वेलोसिटी जो यहां पर है बेटा वो कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है राइट। उस टाइम पर उस बैलून से आपने एक फूड का पैकेट मतलब खाने का एक पैकेट को नीचे गिरा दिया, तो बेटा आपको मैंने बताया था कि जो भी आप सामान नीचे गिरेंगे किसी भी चलती हुई चीज से या चलती हुई कार से अगर आप उतरेंगे या चलती हुई चीज से आप कुछ चीज को फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा चलती हुई कार, चलती हुई बस या आप जो भी चीज उड़ रही है उसी की डायरेक्शन में होगी और उतनी ही होगी जितनी उसकी है। जैसे बस की स्पीड अगर 10 है और उससे आप उतर रहे हो तो आपकी उतरते समय स्पीड भी 10 होगी और उसी के डायरेक्शन में होगी। वैसे अगर बैलून जो ऊपर जा रहा है उससे आपने खाने का पैकेट नीचे गिरा दिया तो खाने के पैकेट की वेलोसिटी वही होगी जो बैलून की स्पीड है और डायरेक्शन भी वही होगी जो बैलून की है। बैलून ऊपर उड़ रहा है तो खाने के पैकेट की वेलोसिटी भी पहले ऊपर होगी बाद में वो नीचे आएगा और ऊपर जाते समय उसकी स्पीड वही होगी जो कि बैलून की स्पीड है। बैलून की स्पीड कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो खाने की पैकेट की स्पीड भी इनिशियली कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद वो वहां से मुड़ करके कहां पर आएगा, नीचे आएगा, बट पहले स्पीड उसकी ऊपर ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इनर्शिया के कारण। बॉडी पहले कैसी कंडीशन में थी, मोशन में थी, तो बाद में भी किस पर रहेगी, मोशन में रहेगी इनर्शिया की वजह से, ठीक है। अब आपने को पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आ जाएगी ये आपको कैलकुलेट करना है और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इक्वेशन कहां से कहां लगा दो, ए से बी इक्वेशन हम लगा देंगे। देखिए कैसे इक्वेशन लगा सकते हैं, ए से बी इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है और टाइम भी कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो देखिए पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, अप्लाई इसमें अप्लाई कर दीजिए बेटा। अगर आप अप्लाई करते हो देखो, अगर आपको टाइम नहीं मालूम डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो आप अप्लाई कर दीजिए बेटा। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन बेटा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बट डिस्प्लेसमेंट आप देखिए बेटा 39.2 मीटर जो है बेटा ऊपर है नीचे नीचे है, तो नीचे तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, नीचे होता तो माइनस में लेते हैं, ऊपर होता तो प्लस में लेते हैं। बेटा ऊपर वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कैलकुलेट करना है, एसलेशन कहां पर है नीचे है, माइनस का जी होगा डिवाइड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। मीन्स इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई बेटा माइनस 39.2 9.8 इंटू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। बेटा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, टाइम का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं इसके फैक्टर कर लूंगा और फैक्टर करके बेटा किसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, टाइम का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या बन रहा है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन रहा है। और जैसे ही टाइम का वैल्यू आएगा बेटा मेरे पास, तो टाइम की वैल्यू को बेटा मैं यहां पे इक्वेशन लगा सकता हूं। आपको क्या पूछी गई है, फिर वेलोसिटी पूछी गई है, तो बेटा आप अपनी अप्लाई कर दीजिए कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन होगी वी बराबर यू प्लस एटी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कहां पर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी बी पर, तो मतलब वो नेगेटिव होगा। इनिशियल वेलोसिटी बेटा कहां पर है, ऊपर है 9.8, वो पॉजिटिव होगी। एसलेशन नीचे है इसलिए माइनस का 10 होगा, और टाइम का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर ही लेंगे, और यहां से टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी और टाइम भी आ जाता है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, आपको सारी बात यहां तक की समझ में आ गई। अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली क्लास में लिए जाएंगे, है ना, और यहां तक के सारे क्वेश्चंस की एक बार आपको वापस से प्रैक्टिस करके देखना है, जिससे आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट दोनों स्ट्रांग हो जाएं। तब तक के सभी स्टूडेंट्स को बेटा मेरी तरफ से जय हिंद और जय राजधानी, ऑल द बेस्ट।